नमस्कार साथियों, ये जो वीडियो बना रहे हैं ये खास करके रेलवे अभ्यर्थी जो है, जो ग्रुप डी का या लोको पायलट का या एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं, उन सबों के लिए है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी जानकारी आपको सही सही मिल पाएगी। अन्यथा आप बीच में अगर स्किप कर दिए तो थोड़ी सी जानकारी जो समय दिए उस वीडियो पर, वो भी आपका समय बर्बाद हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक पेपर में कटिंग चल रही है कि जो एक लाख प्लस भर्ती जो ग्रुप डी की है वो आने वाली है, क्या सही है ये बात? और दूसरी बात है कि उसमें क्या जो ग्रुप डी का लेवल वन का पोस्ट था, जो टेंथ पर आता था, टेंथ दसवीं लेवल पर जिसका योग्यता दसवीं मांगा जाता था, क्या उसमें आईटीआई अनिवार्य कर दिया गया? इस सब को हम क्लियर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको क्लियर हो पाएगा। पीछे हम बोर्ड पर सब चीज़ लिखे हुए हैं। उससे पहले आप लोगों को एक क्वेश्चन दोस्तों देते हैं, क्योंकि जो रेलवे का तैयारी करते हैं उनके हर एक मतलब क्या कहे, ग्रुप डी तो आप नहीं कह सकते हैं, उसको कहते हैं लेवल वन का पोस्ट में भी 25 नंबर का साइंस रहता है और एएलपी टेक्नीशियन में भी साइंस का वेटेज बढ़िया रहता। तो आप एक क्वेश्चन का कमेंट में आंसर दीजिएगा कि कांच में जो दरार आ जाती है वो किस कारण से, किस भौतिक कारण से चमकती है, इसको कमेंट में जवाब दीजिएगा। अगर आप साइंस को अच्छे से पढ़ते हैं तो पक्का जवाब दीजिएगा। आइए देखते हैं, बात करते हैं इस पर, बोर्ड पर क्या लिखा हुआ कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती लेवल वन। मैंने पहले ही बता दिया कि रेलवे ग्रुप डी का जो पोस्ट था अब उनको लेवल वन कहा जाता है, ग्रुप डी अब उनका नाम खत्म हो चुका है। इसमें कुल सीटों की संख्या 1,18,000। पिछली बार के बनिस्पत इस बार थोड़ा मतलब 2-3 हज़ार कह सकते हैं कि कम आने वाली है भर्ती। तो पिछली बार जो आया था वो पिछली बार 1,03,000 के आसपास आया था, 1,03,000 के आसपास आया। और दोस्तों एक चीज़ इसमें और सुनने में आया है कि जोन वाइज जो है हो सकती है, तो इस बार कट ऑफ नहीं बने। जोन वाइज जैसे मतलब कोई अहमदाबाद बोर्ड डाल दिया, कोई गुजरात मुंबई, कोई वेस्टर्न रेलवे, मतलब अन्य जगह जैसे कोलकाता, कोई चंडीगढ़, अहमदाबाद, अन्य सारी मतलब जितना भी जोन है सब अलग अलग भरते थे। तो वहाँ की कट ऑफ था, जो जैसे यूपी बिहार से थोड़ा दूरी पर रहता था तो उनका कट ऑफ कहीं ना कहीं कम जाती थी, या सीट के बनिस्पत जो था, सीट जितना था उसके अनुसार कम जाती थी। किसी का ज़्यादा था, कहीं स्टूडेंट ज़्यादा बैठ जाएगा तो वहाँ कट ऑफ ज़्यादा चला जाता था, कहीं तेज बैठ गया तो वहाँ भी कट ऑफ ज़्यादा चला जाता था। तो उसी तरह इस बार चांस लग रहा है कि वैसा हो सकता है तो नहीं हो, ऐसा कुछ नियम पारित हुआ नहीं है कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा संभावना बन रहा है, क्योंकि आरपीएफ में ऐसा कुछ देखने को मिला है कि जो आरपीएफ जो भर्ती आई है तो आरपीएफ ने किसी जोन का मतलब बताया नहीं गया कि आप किस जोन में भरे। वो होगा कि आपका नंबर या फिर जहां सीट, आपका नंबर कितना आ रहा है उसके अनुसार देगा, या फिर जहां सीट है, जहां ज़्यादा सीट है या जहां खाली सीट है वहां आपको सिलेक्शन के बाद आपको भेज दिया जाएगा। एक चीज़ और है कि दोस्तों, जो घर से दूर नौकरी करने में बहुत परेशानी होती है, वो तो अभी जो भी लोग हैं, जो भी स्टूडेंट हैं जिनको बेरोजगारी का धब्बा लगा हुआ, उनको तो लगता होगा कि पूरा इंडिया में कहीं भी जॉब मिल जाए लेकिन तो अच्छा ही होगा। हाँ, बात सही है, ये भी बात मानते हैं, लेकिन उसके बाद अगर जॉब लगने के बाद आपको रेलवे कहीं और, जहाँ जैसे आपका जहाँ घर है उससे दूरी पर चला गया, तो बहुत सारी मतलब जो कठिनाई है उसकी परेशानी के सामना करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि, और देखिए पिछली बार 1,03,000 के आसपास जो था भर्ती आई थी, और उसमें जो कटअप था, उसी कटअप अगर जोन वाइज वैकेंसी आई तो कटअप वही रहेगा, वही के आसपास रहेगा। पिछली बार जो नॉर्मलाइजेशन कहिएगा आप, तो हम नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भी बता देंगे कि पिछली बार कौन बोर्ड में कहाँ कितना गया था, तो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के आधार पर हुआ है। उसके बाद देखिए कि एएलपी का जो, और देखिए भर्ती कब आएगी ये हम बता रहे हैं कि एएलपी का जो था जनवरी से मार्च तक में, तो ये जो मंथ दिया हुआ है कैलेंडर के हिसाब से इसमें उसका भर्ती आ गया। और इसके बाद अब कह रहा है रेलवे की जो हम एनटीपीसी का ग्रुप डी से पहले एनटीपीसी का भर्ती देंगे, ग्रुप डी का जो भर्ती आने वाली है उससे पहले हम एनटीपीसी का देंगे, जो जुलाई से लेके अभी जो जुलाई का मंथ चालू हुआ जुलाई से लेके और सितंबर तक में आने वाली है, ठीक है। उसके बाद इसका जो 5-6 महीना जो भी टाइम लग जाए, 5-6 महीना उसमें देखिए, क्योंकि अगर एक इसमें जो होता है ऐसा रेलवे में ऐसा होता है कि 1,00,000 अगर फॉर्म आया तो 1,00,00,000 से प्लस विद्यार्थी फॉर्म डालते हैं,
तो लगभग कंपटीशन हो जाता है 100 स्टूडेंट पर एक का सिलेक्शन होता है, 100 स्टूडेंट पर एक सिलेक्शन होता है। तो उसमें तो एडमिट कार्ड बनाना, सेंटर मैनेज करना, एग्जाम सेंटर बताना, उसके बाद फॉर्म करेक्शन करना, ढेर सारा काम होता है। तो समय तो लगेगा ही, 6 महीना 7 महीना लग जाएगा। उसके बाद ग्रुप डी का देखिए, ग्रुप डी का ये दुर्गा पूजा हमारे बिहार में मनाया जाता है, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ये सब में मनाया जाता है। उसी के आसपास दुर्गा मतलब अक्टूबर से दिसंबर के बीच कह रहा है कि जो ये आने वाली भर्ती है अक्टूबर से दिसंबर के बीच ये आएगी ग्रुप डी का। और एक चीज़ और बता दूँ कि अभी अभी जो SSC में आप देख रहे होंगे कि 8 से 10 हज़ार MTS का आ गया, कुछ CHSL का फॉर्म था, अभी CGL का 17,000 के समथिंग, 18,000 के लगभग फॉर्म आया है। तो उसमें आपको लगता होगा कि इसका तैयारी करें कि इसका तैयारी करें, तो हम उसमें कंपटीशन किस में ज़्यादा है इस बात को हम बताते हैं कि कंपटीशन किस में ज़्यादा है। देखिए यही बता यही SSC बनाम रेलवे किस में कंपटीशन ज़्यादा है। देखिए SSC ने जो आप हम जैसे अभी बताए थे कि 100 स्टूडेंट पर एक व्यक्ति का सिलेक्शन होता है, 100 स्टूडेंट पर एक व्यक्ति का सिलेक्शन होता है, लेकिन इसमें नहीं है ऐसा, रेलवे में है और SSC में ऐसा नहीं है। SSC में कम से कम आपको 500 बच्चों के बीच एक सीट मतलब रखा जाता है, क्योंकि भर्ती में लोग भी फॉर्म ज़्यादा भरते हैं और तैयारी भी उधर तक करने वाले जो है वो थोड़ा तेज तरार विद्यार्थी रहते हैं। और रेलवे में थोड़ा कह सकते हैं कि थोड़ा निम्न नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा कम कहीं ना कहीं लगता है कि रेलवे का उससे निम्न स्तर के लोग रेलवे में भिड़े रहते हैं, और जिनका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GK, GS जो भी सही है सब सही है, तो वो SSC की तैयारी करते हैं। तो SSC में 500 सीट पर मतलब 500 स्टूडेंट पर एक सीट मिलता है और इसमें 100 स्टूडेंट पर एक सीट मिलता है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो रेलवे में जो कंपटीशन के मामला है वो SSC के अपेक्षा बहुत कम है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि रेलवे का जो लेवल 1 का पोस्ट है, मैंने पहले बता दिया कि रेलवे का जो ग्रुप डी का, अब उसको ग्रुप डी आप कदापि नहीं कर सकते हैं। इसमें देखिए रेलवे का जो लेवल 1 का जो पोस्ट है उसका पेमेंट 22,000 के आसपास रहता है, 22,000 प्लस भी हो सकता है जिनका जहां पर जैसा मतलब किसी का टाउन के जगह में है, किसी का देहात में है, तो उसके अनुसार पेमेंट बनता है। कोई ज़्यादा काम किया, कोई कम काम किया, कोई रनिंग अलाउंसमेंट हो गया किसी को, तो ढेर सारा कारण से किसी का काम ज़्यादा होते रहता है, ये एग्जैक्ट कुछ कह नहीं सकते हैं। इस बार एक सबसे मेन बात ये है कि इस बार ITI लागू हो चुका है क्या। देखिए ITI तो अगर 10+ ITI जो है वो 10 पहले मांगता था और उसके बाद 10+2 ITI मतलब 10+2 यानी इंटर हुआ, इसमें ITI इसको ITI कह सकते हैं आप, 10वीं+ITI। तो ये सरकार के फॉर्मूला पर अभी बैठ कुल मिला के मेरे हिसाब से नहीं रहा है और सरकार इस बार इसको लागू भी नहीं करेगा, क्योंकि पिछली बार ऐसा चर्चा करा था कि हम ITI लागू कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हमको लग नहीं रहा कि ITI लागू होगा। और मतलब कह सकते हैं कि 90% चांस है कि इस बार ITI लागू नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आप लोग निश्चित रहिए और जम के तैयारी करिए। और ये जो 10 योग्यता होगा जो ग्रुप डी का लेवल 1 का पोस्ट है उसकी योग्यता 10th लेवल का, तो उसका जो सिलेबस होगा, उसका जो क्वेश्चन होगा, आपको 10th बेस का ही पूछा जाएगा, 10th से ऊपर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद कटऑफ का बात करें तो कटऑफ हो सकता है तो आपको इस बार जोन वाइज नहीं देखने को मिलेगा, जैसे पिछली बार जोन वाइज देखने को मिला था, इस बार जोन वाइज नहीं भी देखने को मिलेगा। और उसके बाद देखिए उसी तरह जैसे हम बोले थे पहले वीडियो शुरू में ही बोल दिए थे कि RPF में जो था इस बार जोन वाइज भरने का मौका नहीं मिला। अब एक चीज़ और आई है कि इसमें सिलेबस का बात करें, ग्रुप डी का सिलेबस का, तो इसमें 25 मैथ रहता है, वो भी 10वीं लेवल का, ठीक है। रीजनिंग आप जानते ही, उसके बाद साइंस ये भी 10वीं लेवल का, 9, 10, 8, 9 जो भी है, 6, 7, 8, 9, 10 ये सब पूछा जाता। इसमें आता करेंट अफेयर्स, 4 से 5 करेंट अफेयर्स रहेगा 6 महीना के लगभग से, और उसके बाद GK रहता है, ठीक है। कुल मिला के 100 क्वेश्चन रहता है, 100 क्वेश्चन और जो आपको 90 मिनट में बनाना रहता है, ठीक है। और ये होगा जो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है यानी CBT कंप्यूटर बेस्ड। और नेगेटिव की बात करें तो इसमें एक क्वेश्चन आप गलत करिएगा तो आपका, 3 क्वेश्चन आप गलत करिएगा तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। और एक चीज़ इसमें लास्ट में बता दूँ, इसमें जो इसके बाद आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करिएगा, उसके बाद आपका मतलब शॉर्ट लिस्टेड होगा, आपका रिजल्ट होगा, उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा।
तो फिजिकल में बॉयज के लिए होता है कि 1000 मीटर की दौड़ रहता है, 35 kg उठा के 2 मिनट में 100 मीटर जाना रहता है, और गर्ल्स में भी 20 kg का वजन उठा के रहता है, और उस पर दौड़ना भी रहता है। कुछ क्राइटेरिया है उसका, वो आप लोग देख लीजिएगा या फिर हम अगले वीडियो में बता देंगे। उसके बाद क्या होता है कि फिजिकल आप कर लिए, फिजिकल के बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जिनका 1-2 नंबर ज़्यादा रहता है उनका हो जाता है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद थोड़ा सा एकदम नॉर्मल सा मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद आपको फिर आपके घर पर ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा। तो वीडियो दोस्तों कैसा लगा आप कमेंट करिएगा, ज़्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे, कमेंट करिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जो क्वेश्चन मैंने पूछा उसका कमेंट आप जरूर करिएगा। जय हिंद।